गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन आवर इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नसरुद्दीन सेम। इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड इसका बुक वर्क आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। चैटिंग मतलब होता है बातें करना, या टॉकिंग भी हम इसको कह सकते हैं। आर्क्री, आर्क्री द स्पॉट ऑफ शूटिंग एरोज, जहाँ पर हम धनुष विद्या का अभ्यास करते हैं या एरो शूट करते हैं, तीर चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग, अ सेट ऑफ थिंग्स टाइड टुगेदर ऑन अ थिन कॉर्ड, एक पतले से धागे के साथ बांधा होता है तो उसको स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। आगे है बैंग या स्लैम, बहुत ज़्यादा धमाकेदार आवाज़ के साथ, जिसको कहते हैं। टारगेट मतलब किसी चीज़ को लक्ष्य बनाना या गोल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, किसके बारे में वो अपनी बढ़ाई कर रहा था। बोस्ट मतलब होता है अपनी बढ़ाई करना। नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्क्री, तो वो धनु विद्या की अपनी स्किल के लिए अपनी बढ़ाई कर रहा था। व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट, अब हर बार जब नसरुद्दीन अपना टारगेट मिस कर देता था तो वो किसी और का नाम क्यों ले लेता था, कि ये तो उसका शॉट था, ये तो उसका शॉट था, मेरा नहीं था। सो नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेम इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके दोस्त खड़े हुए थे बहुत सारे आसपास में और उनके सामने उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं आती धनुविद्या तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो इसीलिए वो हर बार किसी का नाम लेकर बात को टाल देता था। वाई डिड द नसरुद्दीन सेड इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, अब तीसरी बार नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि ये ही मेरा एम है। हाँ जी, तो थर्ड टाइम नसरुद्दीन सेड इट वॉज माई एम बिकॉज द थर्ड टाइम एरो हैड हिट राइट ऑन द टारगेट एक्यूरेटली, तो कहते तीसरी बार जो तीर था वो सीधा अपने निशाने पर जाकर, जैसे ये निशाना है इसके ऊपर ही एरो लग गया था, तो बिल्कुल एक्यूरेटली अपने निशाने पर लगा था, इसलिए उसने कहा कि ये तो मेरा एम है। डू यू थिंक दैट द नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, क्या आपको लगता है कि वो एक अच्छा धनुधारी था। नो नहीं, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, वो इतना अच्छा धनु विद्याधारी नहीं था। हाँ जी, तो आगे इसका बुक वर्क देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो बुक वर्क में ऑप्शन है, जो हमारा टॉपिक है वो है शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद द मीनिंग, तो जो इस वर्ड का सही मीनिंग है उसके साथ हमने इसको मैच करना है, ये हमारी बुक में दिया गया, लेकिन हमने यहाँ पे सीधा ही लिख रखा है। चैटिंग का मतलब होता है इनफॉर्मल टॉक, मतलब आराम से बातें करना, कोई ऐसी कुछ खास बात नहीं तो ऐसी बातें करते रहना। अमेजमेंट होता है ग्रेटली इन्फॉर्म्ड, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसको बोलते हैं। आर्क्री होता है शूटिंग विद द बो एंड एरो, तीर और धनुष के साथ किसी चीज़ को शूट करना तो उसको बोलते हैं आर्करी। डिफेंडिंग मतलब बचाव होता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, अपने आप को किसी भी, चाहे वो बातों का अटैक है या वैसे अटैक है, उससे प्रोटेक्ट करना। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, ऐसा गोल जिसको हम हिट करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रम्फेंटली हैप्पी एंड प्राउड, बहुत ज़्यादा खुशी से, हैप्पीनेस से और अपने ऊपर गर्व करके। सो सेकेंड हमारे पास जो है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड इसमें हमें कुछ दिए गए हैं जो कि हमारी बुक में अंडरलाइन दिए गए होंगे, इसमें नहीं है, विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड री राइट द सेंटेंस, तो उनको चेंज करके हमें दोबारा से उसी लाइन को लिखना है। कैसे, इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड इट, तो हमने इसको क्या बनाना है, इन्होंने कहा है कि बिल्कुल ही टाइम ना लगाते हुए उसने उस लक्ष्य को हिट किया जो उसने सोचा था, तो हमने कहा इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट शी एम्ड इट, तो इसका मतलब है कि उसने बिना टाइम गवाए अपने लक्ष्य को हिट कर दिया। नेक्स्ट इज नसरुद्दीन वाज श्योरली नॉट अ गुड आर्कर, तो हम क्या कह रहे हैं कि नसरुद्दीन जो है वो श्योरली एक अच्छा आर्कर नहीं है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं नसरुद्दीन वाज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्कर, ठीक है, कि बिल्कुल वो भी एक अच्छा आर्कर नहीं है। द टीचर सैड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी, अब टीचर ने कुछ कहा अच्छी राइटिंग के बारे में और वो बहुत खुश हुआ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टीचर रिमार्क्ड, कहने को हम रिमार्क कहते हैं, हम रिमार्क करना कहते हैं, अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता की फोटो है ये, यूजिंग द क्लूज़ को यूज़ करो गिवन बिलो ऑन द पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में जो भी दिया गया है उसको यूज़ करके इसके बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन, एक तो वो इंडियन है, भारतीय है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ही प्रैक्टिस इज 8 आवर्स डेली, और वो 8 घंटे डेली प्रैक्टिस करता है।
हमें ये छोटे छोटे क्लूज दिए गए हैं, तो हम इनका ऐसा बना सकते हैं, ही ईट्स हेल्दी फूड, वो बहुत हेल्दी खाना खाता है, ही रन्स किलोमीटर्स एवरी डे, बहुत सारे किलोमीटर वो भागता है डेली, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, वो एक बहुत अच्छा क्या है बैट्समैन। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हमने कुछ वर्ड्स का यूज़ करना है, वो वर्ड्स क्या है, एंड और बट वर्ड का यूज़ करना है हमें, तो इनको यूज़ करके हमने लाइंस बनानी है कुछ, ठीक है। ये हमें पिक्चर्स दी गई है बुक में, आप बुक में देख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके आंसर लिखे हैं। ग्रैंडपा एंड राजीव्स सिस्टर सीता आर वॉकिंग, ठीक है, तो इस तरह एंड का यूज़ कर लिया इसमें। फादर इज़ पंपिंग आयरन बट मदर इज़ डूइंग योगा, बट का यूज़ किया। राजीव एंड हिज फैमिली मेंबर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें एंड का यूज़ हुआ। ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग एंड ग्रैंडमा इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, इसमें भी एंड का यूज़ हुआ। फादर एंड मदर आर एक्सरसाइजिंग, इसमें एंड का यूज़ हुआ। राजीव इज़ जॉगिंग बट हिज सिस्टर सीता इज़ कीपिंग अ रोप, तो इसमें हमने बट का यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे आपको कुछ वर्ड दिए हैं, इससे आपने ब्लैंक को फिल करना है। यू कैन यूज़ वन वर्ड मोर देन वंस, एक ही वर्ड को दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। स्टिल, बैट बॉल, इलेवन बॉल, ये सारे आपको कुछ वर्ड दिए गए, इनको यूज़ करना है अपने। अब हमने हमारे पास है नेम ऑफ द गेम का नेम दिया गया, वट यू प्ले विद, आप किसके साथ खेलते हो, वेयर यू प्ले कहाँ खेलते हो, और नंबर ऑफ प्लेयर्स, और उसमें कितने प्लेयर खेलते हैं। सबसे पहले क्रिकेट की बात कर लेते हैं, तो ये खेला जाता है बैट और बॉल के साथ, ग्राउंड में खेला जाता है और 11 प्लेयर्स होते हैं। सेकंड हॉकी की बात कर लेते हैं, तो स्टिक और बॉल के साथ खेला जाता है, स्टेडियम में खेला जाता है और 11 प्लेयर्स होते हैं। टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं, तो बॉल और रैकेट के साथ खेला जाता है, स्टेडियम में खेला जाता है, और टू या फोर प्लेयर होते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। फुटबॉल की बात करें, तो फुटबॉल के साथ ही खेला जाएगा, ग्राउंड में खेला जाएगा, और इसमें भी कितने प्लेयर होंगे, 11। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, क्रिकेट के बारे में, हॉकी, टेबल टेनिस और फुटबॉल के बारे में, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, बाहर खेली जाती है, वी प्ले इट विद बैट बॉल के साथ खेलते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं इसमें, दैट्स ऑल। हॉकी के बारे में हम कहेंगे कि आउटडोर गेम है, ये भी घर से बाहर खेली जाती है, प्ले विद स्टिक और बॉल के साथ खेलते हैं, स्टेडियम में खेली जाती है, और इसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट टेबल टेनिस की बात करें, तो इंडोर गेम्स है ये, छत के नीचे खेली जाती है, वी प्ले इट विद बॉल एंड रैकेट के साथ खेलते हैं, देयर आर टू और फोर प्लेयर्स इन दिस गेम, में दो या चार से ज़्यादा प्लेयर नहीं होते हैं। आगे फुटबॉल की बात करें, तो फुटबॉल होती है आउटडोर गेम, इट इज़ प्लेड इन स्टेडियम में खेली जाती है, वी प्ले विद फुटबॉल के साथ खेलते हैं, देयर आर 11 प्लेयर्स इन द फुटबॉल, तो इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, देयर आर फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज इन वेरियस स्पोर्ट, कुछ वर्ड दिए गए हैं वो बहुत सारी गेम्स में खेले जाते हैं, तो हमने उसको लिस्ट के साथ बताना है। सबसे पहले बात करें हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इनमें क्या क्या वर्ड यूज़ होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। हॉकी में यूज़ होता है पेनल्टी, पेनल्टी कॉर्नर और गोल, क्रिकेट में गुगली, LBW, फुटबॉल में गोल एंड फ्री किक और पेनल्टी वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना गोल एंड फ्री किक एंड पेनल्टी, ये वर्ड होते हैं यूज़ फुटबॉल में, ठीक है। राइट टू सेंटेंसेज ऑन योर पपेट, कोई भी आपके घर में बिल्ली डॉगी कुछ भी पाला हुआ है, उनके ऊपर आप कुछ वर्ड्स खुद से भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो, माई पपेट इज़ मेड अप फ्रॉम प्लास्टिक स्टिक, तो आपका जो पपेट है या जो भी आपका टॉय है, समझ लीजिए आपका, अगर आपके घर में कोई कुछ डॉगी पाला हुआ है, तो आप उसको एज अ पपेट लेकर भी उसके ऊपर लिख सकते हैं, किसी के ऊपर भी, चाहे आपके पास कोई गुड़िया है उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, माई पपेट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक का बना हुआ है ये, ठीक है। इट कैन वॉक, ये चल सकता है, डांस कर सकता है, प्ले, इसके बारे में आप अपने पपेट के बारे में और भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप वो भी लिख सकते हो। तो चलिए, इस लेसन की जितनी भी समरी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हो। और आपको ये कैसा लगी ये वीडियो, तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।